विवेक देवराय कमेटी की सिफारिशों के विरोध में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे के आह्वान पर पूरे देश भर में 23 से 30 जून तक विरोध सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके अंतिम दिन मंगलवार को नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के नेतृत्व में सैकड़ों रेल कर्मचारियों ने काला दिवस मनाया। रेल कर्मचारियों ने कमेटी की रिपोर्ट, जिसमें रेलवे का निजीकरण करने की सिफारिश की गई थी, उसके विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि यह रेलवे को पूंजीपतियों के हाथों में बेचने की साजिश है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आक्रोशित कर्मचारियों ने दिन भर काली पट्टी काला बैच लगाकर काम करते हुए अपने रोष का इजहार किया। डीजल लोको और वैगन कारखानों से यूनियन के कार्यकर्ता रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए रवाना हुए और जीसी चौराहे पर विवेक देवराय का पुतला आग के हवाले किया। आज उन्होंने कहा है कि रेलवे हॉस्पिटल रेलवे को बंद कर देने चाहिए और प्राइवेट में बेच करके लोगों का इलाज कराया जाना चाहिए। रेलवे के जो स्कूल और संस्थान चल रहे हैं, जो ट्रेनिंग सेंटर जिससे रेलवे कर्मचारी प्रशिक्षित होकर के काम करता है, उन सबको भी उन्होंने बंद करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उस रिपोर्ट के खिलाफ ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन ने एक बीड़ा उठाया था और 23 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक एक विरोध सप्ताह बनाने का काम किया और उसके आज अंतिम दिन ऑल इंडिया के अंदर आज पूरे अखिल भारतीय स्तर के ऊपर काला दिवस मनाने का रेलवे के कर्मचारी काम कर रहे हैं। इसके बाद आईओडब्ल्यू उत्तर कार्यालय में सभी रेल कर्मचारी 1 बजे एकत्रित हुए, जहां से जनसैलाब के रूप में सभी महिला पुरुष रेल कर्मचारी हाथों में काला मफलर लहराकर और सिर पर काली टोपी पहनकर रेल मंत्री और प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। यहां पर भी विवेक देवराय के पुतले को शव यात्रा के रूप में डीआरएम ऑफिस तक ले जाया गया और विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतले को आग के हवाले कर दिया गया। पूरी उत्तर रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे में हम काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। भारी संख्या में हर डिवीजन में, हर कारखाने पे, हर शाखाओं पर और प्रधान कार्यालय पर कर्मचारियों ने आज विरोध प्रदर्शन किया है और देवराय कमेटी ने जो काली रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट को रद्द करने का इस देश की सरकार से अनुरोध किया है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के मंडल अध्यक्ष मोहन चेलानी ने सभी रेल कर्मचारियों को संबोधित करते हुए सरकार को चेतावनी दी कि यदि भारतीय रेल के टुकड़े किए गए और निजीकरण किया गया तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। यदि ऐसा किया गया तो रेलों में व्यापक स्तर पर हड़ताल की जाएगी और रेल का चक्का जाम किया जाएगा। यह न केवल पूंजीपतियों के हाथ में जाने का काम होगा, बल्कि आम जनता को जो एक सस्ता यातायात का साधन सुलभ है, वो भी छिन्न भिन्न होने का काम होगा। जिन रिमोट एरियाज में आज यातायात के साधन भारतीय रेल पहुंच रही है, जब पूंजीपतियों की रेल चलने वाली होगी तो निश्चित तौर पर गरीब जनता और अविकसित क्षेत्रों में ये यातायात के साधन उपलब्ध नहीं होंगे और जैसा विदेशों में इतनी महंगी रेल यात्रा है, वैसी स्थिति का निर्माण यहाँ भारत देश में होने का काम होगा। इसका हम भारतीय रेल के कर्मचारी विरोध कर रहे हैं।